जिस जीव की उत्पत्ति हुई है उसे एक न एक दिन पृथ्वी लोक को छोड़कर अवश्य जाना है। अब वो किस प्रकार और कैसे जाता है ये बात उसके कर्मों पर निर्भर करती है। गरुण पुराण के अनुसार पापी इंसान के मृत्यु के समय यम के दूत उसकी आत्मा को लेने आते हैं, जिससे इंसान में भय पैदा होता है। वहीं जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्कर्म किए होते हैं उसे एक दिव्य प्रकाश की लौ लेने आती है, जिसे देवदूत कहा जाता है। गरुण पुराण के अनुसार कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें जीवन भर इस्तेमाल करने से इंसान विष्णु लोक को जाता है। भगवान विष्णु। गरुण पुराण बताता है कि भगवान विष्णु अपने भक्तों के दुखों को खत्म करके उसे सुख और शांति देते हैं, इसलिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके लिए स्नान आदि करके खुद को पहले शुद्ध कर ले। एकादशी व्रत। एकादशी के व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। इनके अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता है उसे इसका निश्चित लाभ मिलता है। ध्यान दे कि इस दिन जुआ खेलना, शराब पीना आदि ना करे। यह काम एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। गंगा नदी। सभी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी को देवी माना गया है, इसीलिए इनकी पूजा करनी चाहिए। किसी रूप में इनका अपमान आपको भारी पड़ सकता है, ये सफलता की जननी है। तुलसी। तुलसी त्याग की प्रतीक है। इन्हें अपने घर में स्थान देने तथा जल देने से अवरुद्ध विकार भी खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे विकार दूर होते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत फल मिलता है। पंडित या ज्ञानी। योग्य ज्ञानी मनुष्यों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, इनका मजाक उड़ाना सर्वथा अनुचित है। जो मनुष्य ज्ञानी लोगों का सम्मान करता है वह स्वतः सफलता की सीढ़ियां चढ़ जाता है। गाय। गाय को हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय माना गया है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। जो मनुष्य गाय को पूजता है उसकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। कुछ ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।